नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज डिस्कशन का टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे और आप लोगों को जिस विषय में हम आज जानकारी प्रदान करेंगे वो है आपका 2 से 3 दिन का जो मछली का स्पॉन होता है, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं मछली का जीरा। 2 से 3 दिन का अंडा से निकला हुआ जो मछली का जो नरिशमेंट स्टेज का जो जीरा होता है उसका फीडिंग कैसे करें, उसका फीडिंग पूरा हैबिट आफ्टर 3 डेज कैसे इसका फीडिंग चालू करें, कारण अप टू 3 डेज इसका फीडिंग बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, आफ्टर 3 डेज इसका फीडिंग स्टार्ट होता है। तो इसी के साथ साथ हम लोग इस विषय के ऊपर हम लोग आज वीडियो में बात करेंगे। और उसी के साथ जो लोग हमारे चैनल में नए हैं आप सभी को मेरा बहुत ज़्यादा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो ज़रूर देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरे फार्मर्स तक, ताकि उनको भी इस बारे में पता चले कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर जो लोग मछली का 2 से 3 दिन का स्पॉन को खुद नर्सरी में बड़ा करके अपना फार्मिंग या फिर सेल्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर मार्केट में बेच के कुछ इनकम कर सकते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर हमारा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे फार्मर्स के साथ शेयर करें। ठीक है, तो बात करेंगे कि मछली का जो जीरा होता है या फिर मछली का जो स्पॉन होता है 2 से 3 दिन का, वो हो गया आपका बहुत सारा मछली का बाज़ार में मिल जाता है, बहुत सारा हैचरीज में मिल जाता है, रोहू, कतला, मृगेल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, देन आपका हो गया सिंगी, मागुर, वियतनामीस कोई और आपका पंगासिया, सुरूपचंदा, इसके साथ साथ बहुत सारा मछली का स्पॉन मार्केट में हैचरीज में मिलता है। तो इस तो पहला 3 से 4 दिन तक ये जीरा या फिर स्पॉन को हमें कोई फीडिंग देने का ज़रूरत नहीं है। कारण ये होता है कि जब वो लोग अंडे के अंदर रहते हैं तब उनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है, मतलब जो उपस्थित खाना होता है, वो पर्याप्त परिमाण में मछली में रहता है, तो वो मछली 3 से 4 दिन तक उसको यूज़ कर सकती है। लेकिन उसके बाद से हम लोगों को उस जीरे को या फिर उस स्पॉन को हम लोगों को कुछ ना कुछ खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें जो कार्प टाइप का जो मछली है उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो कार्प टाइप का जो सब मछली है उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे जो नॉर्मल जिसके पास कोई पॉन्ड है या फिर किसी के पास अगर कोई झील है तो उसमें डेवलप्ड प्लैंकटन को प्लैंकटन नेट से प्रॉपरली छाक लेने के बाद उसको हम लोग हमारे जो नर्सरी टैंक है या फिर नर्सरी पॉन्ड है उसमें हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, उससे मछली को फीड मिलेगा। तो प्लैंकटन मछली के लिए बहुत अच्छा खाना है, कारण मछली का जीरा जिस साइज़ का होता है उससे प्लैंकटन का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसीलिए वो मछली प्लैंकटन को बहुत आसानी से अपने आहार के हिसाब से वो ले सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो लोग प्लैंकटन का मतलब रिक्वायरमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर पॉन्ड नहीं है उनके पास, या फिर आप लोग सोच रहे कि हम लोग पॉन्ड में ही प्रिपरेशन करेंगे, तो उसका ऊपर हम आपको बोलेंगे क्या क्या करना है, या फिर आपको डायरेक्ट पॉन्ड पर टैंक में स्ट्रेट वाटर मतलब पकड़ लीजिए ऑल टाइम फ्रेश वाटर का एंट्री होता रहेगा और जो अनफ्रेश वाटर है वो तो आपका आउटसाइड चला जाएगा और उसको बाद में प्यूरीफाइड करके हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम लोग फिश को क्या दे सकते हैं, देयर आर सम कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका आ गया जो अंडे का जो योक होता है, मतलब आपका कुसुम होता है, उस कुसुम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकेंडली हम लोग यूज़ कर सकते हैं मिल्क पाउडर, अमूल कंपनी, फिर बहुत सारा डेयरी कंपनीज का मिल्क पाउडर मिल जाता है, मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं आपका जो आटा होता है भुट्टे का आटा,
उसके साथ आपका जो वीट आटा मतलब आपका गेहूं का आटा उसके साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं बादाम का खली और हम लोग का सरसों का खली और उसके साथ कुछ हम लोगों का फिश मील और उसके साथ मोलासिस। ठीक है, ये जो कुछ प्रोडक्ट हम लोग बोले जैसे आपका भुट्टा का आटा हो गया, फिर आपका नॉर्मल वीट का आटा हो गया मतलब गेहूं का आटा हो गया, मोलासिस हो गया, फिर आपका फ़िश मील हो गया मतलब आपका ड्राइड फिश हो गया, तो ये सब जो हो गया ये सब को हम लोग को प्रॉपरली बाइंड अप करके उसके बाद इसका यूज़ है वो तो हम बोलेंगे। लेकिन पहले हम बोल देते हैं कैसे कुसुम मतलब जो एक का योग होता है, एक का योग मतलब पीला अंश जो होता है अंडे का उसको और जो मिल्क पाउडर होता है उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले पकड़ लीजिए आपका अगर टैंक में आप 2 से 3 बाटी तक मछली का जो स्पॉन होता है वो दिए हुए हैं मतलब 2 से 3 बाटी मतलब पकड़ लीजिए पर बाटी हिसाब है 50,000 मछली, तो टोटली आपको जब मछली बड़ा हो जाएगा तब आप 50,000 नहीं पाइएगा पर बाटी का हिसाब से, कुछ कम ज़्यादा होगा ही 10,000-20,000 मछली मर जाता है तो भी आपका कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो पकड़ लीजिए अगर आपका पर बाटी का हिसाब से देखिएगा तो आप लेंगे टोटल 2 कुसुम। ठीक है, जो 2 योग होता है 2 योग को लेंगे, आप क्या करेंगे उसको प्रॉपरली पहले उसको पानी के साथ बाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, फिर उसको धीरे धीरे बाय ड्रॉपर जो ड्रॉपर होता है ड्रॉपर के सहारे आप सारे कोनों में आप उसको दे देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग जब ये कुसुम और ये जो दूध का पाउडर है इसको हम लोग जब यूज़ करेंगे तब हम लोगों को फ्रेश वाटर का एंट्री और जो अनफ्रेश वाटर का एग्जिटिंग है वो तो हम लोग को पूरा पूरी मेंटेन करने पड़ेगा अगर ये टैंक है। ठीक है, अगर ये टैंक होता है तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा कि नहीं तो दूसरा प्रोसेस भी है, जैसे हम बोले कि पहले प्रॉपरली पानी के साथ बाइंड अप कर लेने के बाद हम लोग ये कुसुम और मिल्क पाउडर को दे सकते हैं। तो मिल्क पाउडर का प्रोपोर्शन बोल देते हैं, मिल्क पाउडर आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रति बाटी का मछली के लिए अबाउट 3-5 ग्राम्स। ठीक है, उस हिसाब से आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जितना भी मछली का बाटी सिस्टम में डालेंगे उस हिसाब से आपको ये फीड देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं हम लोग मैक्सिममली जो कुसुम है कुसुम पहला एक दिन में ही खिलाते हैं, उससे ही हो जाता है, कारण ज़्यादा अगर कुसुम खिलाएंगे तो पानी का जो अमोनिया और जो अदर टॉक्सिक गैस का इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कारण ये पानी को जल्दी गंदा और साथ में बदबूदार भी कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको यूज़ ना करके हम लोग दूसरा कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो फिर आपका हो गया कि आप कैसे उसको दूसरा टाइप से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका कपड़ा लीजिएगा सूती का कपड़ा, सूती का कपड़ा में आप प्रॉपरली वो एग या फिर वो जो आपका मिल्क पाउडर है उसको रख के पानी में अच्छे से डुबो के गिट्टी बांध के उसको धीरे धीरे रगड़ते रहिएगा, देखिएगा मुलायम से वो जो अंडा है वो पानी में घुल जा रहा है तो उससे मछली को फीडिंग मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका एग एंड मिल्क पाउडर। तो अभी बात करेंगे आपका जो नॉर्मल हम लोगों का दूसरा फीडिंग टाइप बोले हैं मतलब वो हो गया आपका जो होममेड आपका दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो गया, फर्स्ट पहला कुछ दिन आप कुसुम या फिर ये जो मिल्क पाउडर है उसको यूज़ कर सकते हैं, और आप लोग वो जो 2 से 3 दिन के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं जो नॉर्मल कंपनी फीड्स होता है जैसे सीपी हो गया, ग्रोवेल हो गया, न्यू होप हो गया, डी यूज़ हो गया, अनमोल हो गया, ये सब कंपनी का पाउडर फीड मिलता है नर्सरी पाउडर फीड, वो तो आप खिला सकते हैं मछली को। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा घर के लिए, आप लोग ले सकते हैं सूजी, उसके साथ आप लोग दे सकते हैं जो आप भुट्टा का आटा हो गया, फिर उसके साथ आप लोग दे सकते हैं जो गेहूं का आटा हो गया, उसके साथ फिश मिल, मोलासियस और आपका जो थोड़ा परिमाण में नमक और आपका कुछ विटामिन। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग मिला के एकदम पाउडर टाइप का रेशियो में बना के उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको पानी के साथ घोल लेके एकदम लिक्विडिश करके हम लोग उस टैंक में सारे कोनों में हम लोग दे सकते हैं, इससे मछली फीडिंग लेगी। ठीक है, लेकिन ये सब जो भी फीड्स है ये सब फीड हम लोग क्यों टैंक में नर्सरी करने के समय हम लोग यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर करने से असुविधा आता है, सक्सेस का रेट कम होता है, ये कारण एक ही है कि अगर मछली इसको नहीं खाती है तो इसका जो नीचे बैठ जाने के बाद ये टॉक्सिक
गैस रेडी करती है, तो उस टॉक्सिक गैस से क्या हो जाता है, मछली का मॉर्टलिटी होता है, और उस टॉक्सिक गैस के कारण पीएच में इन्वॉल्वमेंट हो जाए होता है, और पीएच कभी कमता है कभी बढ़ जाता है, तो उससे मछली का ग्रोथ में और मछली को जीने में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो उससे देखिएगा कि मछली का मॉर्टलिटी आ रहा है, फिर अमोनिया बढ़ने से भी मछली का मॉर्टलिटी होता है। तो क्या करना है, अगर कोई टैंक में सोचते हैं कि हम जो जीरा को लाके हम लोग नर्सिंग करेंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको टैंक को प्रॉपरली नीचे 2 से 3 इंच का माटी देने के बाद, मिट्टी देने के बाद, आप उसमें मछली को छोड़ सकते हैं कुछ दिन पानी में। आप नॉर्मल एरिएशन चलाने के बाद आप मछली को छोड़ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत सेफ्टी रहेगा। नहीं तो आफ्टर जो 2 से 3 दिन का बच्चा है, उसके बाद आप लोग पॉन्ड में अगर नर्सरी करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी बात करेंगे जो वो जो फीड बोल रहे थे हम लोग, भुट्टा, सूजी, फिर गेहूँ का आटा, ये सब मिला के हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग पकड़ लीजिए लगभग हम लोग बनाएंगे 1 kg का खाना। ठीक है, तो इसमें हम लोग देंगे 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम्स ऑफ व्हीट आटा, फिर आपका 250 ग्राम्स ऑफ आपका कॉर्न आटा, फिर आपका हो गया अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ सूजी, और उसके साथ आपका हो गया अप टू 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, उसके साथ हो गया अप टू 10 ग्राम्स ऑफ मोलासियस। ठीक है, उसके साथ हम लोग देंगे फिश मील होगा आपका अबाउट 250 ग्राम्स, तो 250 ग्राम्स फिश मील। ठीक है, उसको प्रॉपरली हम लोग क्या करेंगे, पहले मिला लेंगे, मिलाने के बाद उसमें हम लोग देंगे 2 विटामिन C का टैबलेट, 2 विटामिन B कॉम्प्लेक्स का टैबलेट, इसको हम लोग प्रॉपरली मिला लेंगे, सूखना मतलब सूखा हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी के पास मिक्सर ग्राइंडर हो या फिर कोई पीसने का मशीन हो तो उसमें हम लोग अच्छे से पीस लेंगे। पीस लेने के बाद उसको हम लोग हीट में रोस्ट कर लेंगे, ताकि जो भी अनयूजफुल बैक्टीरिया है उसको हम लोग डेड कर सकें। डेड कर लेने के बाद उसको हम लोग प्रॉपरली कोई बस्ता हो, मतलब आपका कोई कैरी बैग हो या फिर आपका कोई भी टाइप का पैकिंग का चीज़ हो, उसमें हम लोग रख देंगे। फिर जब हम लोगों का प्रयोग का टाइम आएगा, तब हम लोग उस हिसाब से आप पकड़ लीजिए जो पर बाटी का हिसाब से हम लोग 10 से 20 ग्राम हिसाब से पहला टाइम में देंगे 2 से 3 दिन। ठीक है, एट अ टाइम हम लोग ऐसे करके फीडिंग कराएंगे। ठीक है, तो इससे मछली का ग्रोथ भी अच्छा आएगा, मछली खाना भी खाती है बहुत अच्छा और ग्रोथ भी लाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग विटामिन भी थोड़ा देते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा विटामिन नहीं देंगे, जो बोले हैं उस मात्रा में ही हम लोग विटामिन तो मेंटेन करेंगे। पर केजी में जितना आपको बोला गया है उस हिसाब लगा के आप जितना भी केजी का खाना बनाना चाहते हैं आप वैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी से निवेदन है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आशा करते हैं कि आज का जो टॉपिक छोटा सा टॉपिक था कि जीरा को या फिर स्पॉन को कैसे क्या फीडिंग कराएं। ठीक है, फीडिंग कराने के बाद आपका क्या 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 होता है क्या नहीं होता, उसके ऊपर थोड़ा बहुत टॉकिंग था। और दूसरा जो सर टॉकिंग मतलब टॉपिक के ऊपर आपको बात चाहिए या फिर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो आप ज़रूर कमेंट में लिख के भेजिए, हम लोग ज़रूर उसका ऊपर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।